यानी ज़्यादा पावर देंगे आप, देख सकते हैं 4 वोल्ट हुआ, 5 वोल्ट हुआ, 6 वोल्ट, 7 वोल्ट, 8, 9, आप देख सकते हैं 9 वोल्ट तक पहुँच गया। मतलब हमने इससे 9 वोल्ट तक पावर जो है, इधर हम जनरेटर घुमा रहे हैं, इधर बल्ब LED है, जब कलरफुल LED जब ज़्यादा पावर लेते हैं, देख सकते हैं आप। शुरू करते हैं आपको बिना टाइम वेस्ट करते हुए, पहले से मैं खोल लिया हूँ ताकि आपका टाइम बर्बाद ना हो और आप वीडियो को आराम से इंजॉय कर सके। तो हमने इसको स्क्रू की मदद से खोल लिया था, इसको भी खोल लिया। हमें काफ़ी जो पार्ट्स हैं इसमें मिल जाते हैं जो कि हमारे बहुत सारे काम के रहते हैं। ये है, ये आप देख सकते हैं ड्राइवर मोटर है, एक ड्राइवर मोटर, दो ड्राइवर मोटर, और इसके अंदर लेज़र लाइट लगा हुआ है और पावर ग्लास लगा हुआ है, स्कैनर लगा हुआ है, सब इसके अंदर लगे रहते हैं। जो स्कैनर वाला काम करता है सब इसके अंदर स्कैनर का काम करता है। और ये अपना ड्राइवर मोटर हो गया जो कि इधर से ये इसको पुश करके अपना काम करता है। तो इसके बारे में हम अभी नहीं जानेंगे, बट इसको अपन देख लेते हैं। ये हमारे काम का है, ये वाला जो किट है ये हमारे काम का है। तो इसको आप सेपरेटली काट के निकाल लें। इसको निकालने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा, तो मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, ये कुछ ऐसा दिखेगा। तो ये इसके ऊपर किट लगा रहेगा, ये किट आपको इस किट को भी निकालना है। आपको एक इस किट को निकालने के लिए आप सोल्डिंग आयरन का मदद से ये तो दोनों मोटर लगे हुए हैं, दोनों मोटर को निकालें और यहाँ पे एक ये हिंज लगे रहते हैं, हिंज को पीछे खींचेंगे, मोटर बाहर आ जाएगा, ये किट बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ये किट बाहर निकालने के बाद अभी हम आपको क्या बताते हैं, देखिएगा। ये फास्ट मैंने पहले ही इसको कर लिया था, मैं आपको बता रहा, ये जो आप यही चीज़ जो है वही चीज़ करेंगे। तो इसके बाद अपन देखते हैं, ये अपन एक प्रोजेक्ट बनाया है, अभी जस्ट बनाया है। इसको बनाने की प्रक्रिया मैं आपको बता देता हूँ कैसे आपको बनाना है। तो आप सिंपली आप ये देखिए, इसके ऊपर ये आपको किट मिलता है, आप इसको किट को बाहर निकालते हैं। किट को बाहर निकालने के बाद इसमें आपको क्या क्या सामान मिलता है मैं आपको बना देता हूँ। इस किट की मदद से आप क्या बना सकते हैं मैं आपको ये भी बता देता हूँ। आपके पास एक ये स्विच मिल जाता है, दूसरा आपको ये इंडिकेटर मिल जाता है, तीसरा ये स्विच आपको मिल जाता है। तो इसको अपन साइड में रखते हैं, इसमें आप लगा सकते हैं एक, आप चार्जिंग किट लगा सकते हैं, और इसमें आप ड्रिल मशीन के ड्रिल मशीन भी इससे बना सकते हैं। आप यहाँ पे मोटर की जगह पे दो, ये जो मोटर का ये स्पेस है यहाँ पे आप दो मोटर लगा दें, मोटर का मतलब दोनों वायर लगा दें, और इंडिकेटर भी आपको कनेक्ट कर दें, और एक स्विच भी कनेक्ट कर दें। तो आप इस स्विच को दबाएंगे तो ये जो आपका ड्रिल मशीन है ये काम करेगा, ये मोटर जो भी है, जो भी मोटर आप लगा रहे हैं यहाँ पे, इसको दबाएंगे तो इंडिकेटर चलेगा और काम भी करेगा। अगर चार्जिंग सॉकेट आप बनाते हैं तो आप चार्ज करेंगे तो यहाँ पर इंडिकेटर चलेगा, बस इंडिकेटर चलेगा। और इसमें मतलब कई सारे आप प्रोजेक्ट इसमें बना सकते हैं, मतलब कुछ भी चीज़ यहाँ पे कोई वेस्ट नहीं जाने वाला है, यहाँ सारी चीज़ काम के आने वाला है। तो लास्ट अपन आते हैं ये वाले अपने प्रोजेक्ट पे, ये प्रोजेक्ट काम क्या करता है मैं आपको बता देता हूँ। इसमें देख सकते हैं आप, एक DC मोटर है जो कि हमारे जो ये किट है किट में लगे रहता है, इसमें किट में लगा हुआ है आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो मैंने इस किट को बाहर निकाल लिया, किट को बाहर निकालने के बाद पीछे साइड अगर आप देखेंगे तो उसके 3 गिर्री लगे हैं। एक गिर्री जो है रबड़ के साथ कनेक्ट है मोटर से, दूसरी गिर्री कनेक्ट है रबड़ वाले गिर्री से, और तीसरी गिर्री कनेक्ट है दूसरी गिर्री से। ठीक है, ये 3 गिर्री यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे, ये हम एक गिर्री घुमा रहे हैं तो आपस में सारे गिर्री घूम रहे हैं। तो इसमें हम काम कैसे करेंगे आप देखिए, मोटर को आप पहले 2 वायर से एक में डायोड लगा लीजिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक में डायोड लगा हुआ है, डायोड काम ये कर रहा है कि ये जो मोटर है मोटर को पावर सिर्फ आउटपुट देगा, इनपुट नहीं लेगा। मोटर जो है पावर केवल आउटपुट देगा यहाँ पे, इसीलिए अपन डायोड लगा दिया, मोटर आउटपुट देगा, इनपुट एक भी नहीं लेगा। और यहाँ पे एक कंडेंसर लगा हुआ है जो कि मोटर से जो भी पावर जनरेट होगी वो है इसमें, जो भी पावर जनरेट होगी वही भी यहाँ पे फेक नहीं होने वाला है। तो इस जनरेटर को आपको बनाने के लिए केवल एक ख़राब सीडी राइटर की ज़रूरत है जो कि आपको कहीं भी मार्केट में आपको 50 रुपये जो भी पावर जनरेट होगी वो कैपेसिटर में जाके स्टोर होगी। ये मतलब जो सबसे पावरफुल LED होती है अपन ग्रीन, जो कलरफुल LED होती है वो लेते हैं। ओके, अपने पास रेड, ब्लू, ग्रीन, यहाँ पे जो मल्टी कलर ये LED अपन एक ले लेते हैं। ठीक, मल्टी कलर LED ले लेते हैं। मल्टी कलर LED लेने के बाद ये अभी जली थी, आपने देखा था जैसे मैंने घुमाया इसमें पावर आया था, तो ये LED अभी जली। ठीक है, यही काम करेगी इस पर। ठीक है, अभी आप देखिएगा, जैसे कि मैं अभी और आपको इसमें दिखाने वाला हूँ, ये जैसे कि हमने कनेक्ट किया और ये हम जनरेटर, ये सिंपली जनरेटर क्या चीज़ का बना है आपको मैं बता देना चाहता हूँ। ये सिंपली जनरेटर बना है एक, यहाँ से आप हम इसको अभी यहाँ से काटेंगे, जो मोटर की इस साइड का पार्ट है अभी इसको काट के अभी अपन इसको एक इस पर सेट करेंगे। इस पर से अपन बनाएंगे एक पावर बैंक भी बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। ये जैसे काम कर रहा है
ठीक है, ये इतना जल रहा है। ओके, अब ये क्या है, अगर अपन बैटरी को नहीं जलाते जो पावर इसमें जा रही है इसमें कंज्यूम होगी। ठीक है, ये अपन पहले देख लेते हैं, है ना। अब इसको हम रफ्तार में यूज़ करके देखते हैं। हमारे पास ये इसका हैंडल है, हमने जो इसी के ये जो अपन देख रहे हैं ये सॉफ्ट है, ये सॉफ्ट हमने इसी से निकाला हुआ है। ये हैंडल जो है इसी सॉफ्ट से, मतलब इसी से सब आपका काम हो जाएगा। ठीक है, ये जो है हमें सॉफ्ट को हमने ये थर्ड वाले गिरे पे छेदा कर लिया है। यहाँ पे ऐसे लगाएंगे, देखें बहुत ही अच्छे तरीके से जल रहा, कोई फेक नहीं है। आपको अच्छे तरीके से दिखाऊँ, मेरे को पकड़ते नहीं बन रहे हैं, बस फिर भी मैं आपको दिखाने के लिए। इधर सन जनरेटर घुमा रहे हैं, इधर बल्ब LED है, जल रही कलरफुल LED जो कि ज़्यादा पावर लेती है, देख सकते हैं आप। ये है, अभी हमारे पास 4 वोल्ट है। कंडेंसर काम कैसे करता है मैं आपको बता देता हूँ। कंडेंसर अगर 50 वोल्ट का है तो आप उसमें 4 वोल्ट डालेंगे तो 4 वोल्ट ही चार्ज होगा, उससे ज़्यादा चार्ज नहीं होगा। ठीक है, तो जैसे कि देख सकते हैं आप कंडेंसर घटते जा रहा है। अब इसको जितनी ज़्यादा पावर देंगे आप देख सकते हैं, 4 वोल्ट हुआ, 5 वोल्ट हुआ, 6 वोल्ट, 7 वोल्ट, 8, 9, आप देख सकते हैं 9 वोल्ट तक पहुँच गया। मतलब हमने इससे 9 वोल्ट तक पावर जो है बना ली। ठीक है, 9 वोल्ट तक अपन पावर बना लिया। अब 9 वोल्ट तक पावर बना लिया, बट इसमें होगा क्या, 9 वोल्ट तक जो पावर बना है ये स्पेस कंडेंसर से क्या हो रहा है, 9 वोल्ट से ज़्यादा पावर नहीं बन पा रहा, क्योंकि हमने 9 वोल्ट उसमें भर किया है, 9 वोल्ट हम और डाल रहे हैं, तो 9 वोल्ट से ज़्यादा वो जा ही नहीं रहा है। ठीक है, 9 वोल्ट ही जा रहा है, उससे ज़्यादा चार्ज नहीं हो रहा, क्योंकि अपन उसमें 9 वोल्ट की पावर दे रहे हैं, चाहे कितनी भी देर तक दे 9 वोल्ट होंगी। तो इसमें काम क्या करना है देखो मैं बता देता हूँ। अब इसमें ज़्यादा पावर लेने के लिए देखिए, ये है ना, ये जैसे अपन इसके इसमें पावर अभी है, मैं आपको जैसे मल्टीमीटर पे तो हमने देख लिया, बट हम इसको LED पे देख लेते हैं। हमारी LED कहाँ गई, ये है हमारे पास LED। ठीक है, अभी इसमें पावर भरी हुई है कंडेंसर में। ओके, देख सकते हैं कंडेंसर के पावर तो है अभी जली ना। तो ये आप मिनी जनरेटर आप आराम से बना सकते हैं इसको घर पे, और इससे कई सारे प्रोजेक्ट बना सकते हैं। इसके थ्रू आप एक सॉफ्ट कनेक्ट करके एक वाटर टरबाइन के थ्रू भी इसमें एनर्जी बना सकते हैं, बहुत ही अच्छा काम करेगा। और इससे विंड के थ्रू भी बना सकते हैं, मतलब जो कि इसको घुमा ले, साइकिल से भी आप कनेक्ट करके बना सकते हैं, जो भी इसको घुमा ले उसके किसी भी थ्रू से आप एनर्जी इसमें बना सकते हैं, ईजिली बन जाएगा, बहुत ही अच्छा है। इसके बारे में और भी वीडियो में बनाऊंगा, तो अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी हो, कि मेरी पूरी वीडियो हिंदी में रहती है और ऐसी वीडियो बनाएंगे जेन्युइन जो कि 100% वर्किंग रहेगा और आपको अच्छे से समझ में आया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस तरीके की वीडियो आपको मुझे पता है कहीं नहीं मिलेगी। और नए नए इसमें एक्सपेरिमेंट करते हैं जो कि यूट्यूब में कहीं भी आपको नहीं मिलती हैं। तो ठीक है, फिर मिलते हैं, और वीडियो को लाइक कर दीजिए पसंद आई हो तो।